बसेस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम पर फायरिंग की खबर मिल रही है। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम पर बस्ती में फायरिंग की गई है। आरोपी ने पुलिस को देखकर देसी कट्टे से फायरिंग की। फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बचा है। ग्रामीणों की सहायता से पुलिसकर्मी ने आरोपी को दबोच लिया है। तो जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम पर फायरिंग की खबर मिल रही है। देसी कट्टे से फायरिंग की गई जब टीम पीछा कर रही थी, और इस दौरान ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर देसी कट्टे से फायरिंग की खबर मिल रही है। बड़ी राहत की बात यह है कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया फायरिंग से। पुलिस का जाती है हीरालाल सैनी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या हुआ था वहां पर और क्या अपडेट है मामले पर? जी देखिए, जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम है जो दोपहर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी, वापस लौटते समय बैनार्ड मोड़ के पास जो आरोपी जो संदिग्ध व्यक्ति था जो जवाहर नगर में किसी मामले में वांछित था, जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, वह पुलिस कर्मियों को दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोककर उसको पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान जो आरोपी पुलिस कर्मियों को पहचान लिया और पुलिस पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि जो फायरिंग में जो देसी कट्टे से फायर किया गया था उसमें जो पुलिस कर्मी का बाल बाल बच गया, क्योंकि जो गोली थी वो जो पुलिस कर्मी जो नेमीचंद है उसके बाजू को टच करते हुए निकल गई, जिससे वो बाल बाल बच गया। लेकिन नेमीचंद ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आरोपी को भागकर पीछा करके ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। अस्पताल मौके पर अन्य पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल हीरालाल, बड़ी राहत की बात यह है कि पुलिसकर्मी की जान बच गई, और इससे भी अच्छी बात यह है कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जाबाजी यहां पर, जहां पर फायरिंग से ना डरते हुए उसने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम पर फायरिंग की गई, लेकिन पुलिसकर्मी की जान बच गई है और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जयपुर के